नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा आजकल क्या हो रहा है ना कि लोअर लेवल से हमें बाई का ट्रेड दे रहा है। आज भी हम लोग ट्रेड लिए थे, लास्ट डे भी ट्रेड आप लोगों को मिला रहा होगा, लेकिन आज का मोमेंट कुछ खास था नहीं, ठीक है। और मॉर्निंग से मेरा व्यू था, वैसे मेरा व्यू रहता है कि थोड़ा लोअर लेवल से मैं बाई का प्लान करूँ वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि शॉर्ट के ट्रेड में वैसा एक तो कैप्चर नहीं मिल पाता है। आज बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, सुबह सुबह गैप डाउन खुला, जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे कि थोड़ा नीचे से मिल जाएगा तो हम लोग बाई का प्लान करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी आज गैप डाउन खुला, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो ट्रेड नहीं किया था, लेकिन यहाँ से एक ट्रेड मुझे बढ़िया मिला था टॉप तक का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बाजार फिर बहुत फास्ट गति से नीचे आया। मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर ट्रेड बताया था कि इस बॉटम से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बॉटम मीन्स कि स्टरडे का जो लो, ठीक है। आजकल इस सेटअप में बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है, जब भी प्रीवियस डे के लो का मार्केट टेस्ट कर रहा है, प्रीवियस डे का लो मार्केट टेस्ट कर रहा है, इसके बाद बढ़िया रिकवरी दे देता है। मेरा व्यू था कि पूरा रिकवर यहां तक हो जाएगा, लेकिन ये फंस गया, बहुत बड़ा मोमेंट नहीं आया। और इसका मेन रीजन है एचडीएफसी बैंक लगातार नेगेटिव हो रहा है, इस वजह से बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी ना बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे और जाना चाहिए बैंक निफ्टी। जिस तरीके से ये यहाँ पर ट्रेंड मतलब क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 ना स्लो डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अभी मैं शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ, और शॉर्ट तब तक जब तक ये 50,000 के नीचे ब्रेक डाउन न कर जाए। ये शॉर्ट होगा तो 50,000 के बिलो शॉर्ट होगा, इससे पहले मैं शॉर्ट अवॉइड करना प्रीफर करूंगा इसको, ठीक है। और देखिए अगर इसके नीचे जाएगा तभी इस टाइप का कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, या फिर कोई एम पैटर्न बन सकता है, अदरवाइज से शॉर्ट नहीं होगा। 52,000 से तो पहले एक बार बाई होना चाहिए, ठीक है। 52,000 रीटेस्ट होगा तो 52,000 से तो एक बार बाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर गलती से 52,000 का भाव दिखे तो एक बार यहां से लोअर लेवल से रिकवरी का जरूर प्लान करेंगे, अगर सक्सेस हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बाजार नीचे चले जाएगा तो थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मुझे लगता है छोड़ना चाहिए एक दो दिन ट्रेड करने के लिए, बहुत अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है। बट हाँ, जैसे प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है, सपोज करो कल 52,200 आता है, जरूर अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो एक बार लोअर लेवल से बाई का प्लान करना चाहिए। फाइनली बढ़िया बाई होना चाहिए 52,000 के लेवल से, ठीक है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो किस टाइप का सेटअप बन रहा है, देखिए ये इस टाइप का सेटअप बन रहा है, स्लोली स्लोली नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा टॉप से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी इस तरीके से, तो कहीं कहीं ना कहीं इधर जाके मैच करेगा, ठीक है। फिर इस भाव के आसपास से रिकवरी देगा, तो अभी इसके लिए टाइम बहुत है, ठीक है। मुझे लगता है अभी इसके लिए टाइम बहुत है, तो कुछ दिनों तक ये साइडवेज हो सकता है अगर इस सेटअप में रहा तो, अदरवाइज बड़ा मूवमेंट देगा जब ये नीचे ओपन हो जाए, सपोज करो गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर लोअर लेवल से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे तो ट्रेड अच्छा होगा। इस रेंज में ऐसा लग रहा है कि फंस रहा है बाजार, ठीक है, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ऐसा नहीं है, निफ्टी लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, अगर आप डेली चार्ट में भी देखें, ठीक है। तो मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे के नीचे अगर ये नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग दे रहा है तब तक हम लोग इसमें शॉर्ट सोचेंगे नहीं, सोचना बेकार है, क्योंकि बाजार वैसा हो भी नहीं रहा है। इंट्राडे में आपको 150 पॉइंट मिल सकता है, पोजिशनल शॉर्ट नहीं हो रहा है बाजार, ठीक है। तो मुझे लगता है ना इसमें हायर साइड का हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए टॉप से लेके यहाँ तक, ठीक है, और बॉटम से भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से लेके इधर हायर साइड का। तो मुझे लग रहा है ना कि ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ का टारगेट आपको हायर साइड में बाजार दे सकता है, इस टाइप का 200 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है अपर साइड में। तो सपोज करो कि कल इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है 350 के ऊपर, ठीक है। अगर 350 के ऊपर ट्रेड बना सकते हैं तो हायर साइड का टारगेट आपको, देखिए 350 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो लोअर साइड का स्टॉप लॉस भी 100 रुपये के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 100 रुपये का टारगेट, माफ करो 100 रुपये का स्टॉप लॉस और 200 रुपये का टारगेट, ये 500 के ऊपर जाते हुए नजर मुझे आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो चाहे तो इसमें थोड़ा बुलिश ट्रेड बना सकते हैं, मैंने एक इसमें
स्प्रे ट्रेड बनवाया हुआ है आज जाते जाते, ठीक है, जितने लोग लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को। और मैंने ट्रेड क्या बनवाया है आप देख सकते हैं, 25,000 का मैंने पुट शॉर्ट किया है, ठीक है, 24,300 का हमने बाई किया है, ठीक है। मुझे पता है 25,000 नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से 300, 200, 250 जितना भी मूवमेंट कर जाता है विल एंड गुड, ठीक है। अगर कल मूवमेंट ठीक ठाक कर जाता है, 300, 200 मूवमेंट कर जाता है, तो कल ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे इस टाइप का। तो ये ट्रेड अगर मॉर्निंग में आपको फ्लैट मिलता है तो ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगेन हायर साइड के लिए, ठीक है। और अगर ये थोड़ा और नीचे मिल जाता तो और भी अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट तो हो नहीं रहा है, तो शॉर्ट की तरफ ना देखें, थोड़ा सा हायर साइड में देखें, ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ट्रेड देखेंगे फ्रेंड्स, क्या हो गया चार्ट, ठीक है, अच्छा मिड कैप निफ्टी का, तो मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी था, आज मेरा इसमें नुकसान रहा, 60-70 हज़ार रुपये मेरा इसमें नुकसान गया। और मेरा व्यू था कि देखिए जिस तरीके से मॉर्निंग में ट्रेड करा था, गैप अप खुला, बहुत फास्ट नीचे आया, फिर बहुत फास्ट रिकवर किया, अगेन बहुत फास्ट नीचे आया, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। जब ऊपर था तभी मैंने इसे 500 का बटरफ्लाई बना लिया था, मुझे लगा था कि ये 12,500 के आसपास ही ट्रेड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से इसमें नुकसान हुआ। तो ओवरऑल आज मिड कैप निफ्टी में हमने लॉस बुक किया है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं रहा इसमें। और देखिए दो दिन से मोमेंट आया था, तो मेरा व्यू था कि थोड़ा सा ही नीचे की तरफ ही एक्सपायरी क्लोजिंग करेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, इस वजह से इसमें ट्रेड हमारा नुकसान में रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, सॉरी माफ करिएगा, फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है। बहुत अच्छा चार्ट सेटअप समझ में नहीं आ रहा, जैसे बैंक निफ्टी के ऊपर मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो नीचे की तरफ से मैं ट्रेड प्लान करूंगा, और अगर मान लो कि मॉर्निंग में एक दो घंटा यहाँ पर रुक गया, तो फिर 11 बजे के आसपास मैं इसमें कोई बटरफ्लाई जैसा प्लान करूंगा, ठीक है। सपोज करो कि ये 23,600 के आसपास चल रहा है, तो 23,600 के आसपास कहीं या 23,600 का ही हम लोग आयरन बटरफ्लाई जैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर नीचे आ जाता है, मान लो कि ये थोड़ा नीचे मिल जाता है, तो हम लोग लोअर लेवल से थोड़ा बाई का प्लान इसमें जरूर कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस डे का लो टेस्ट किया, वापस हो गया, सपोज करो कल 23,450 के आसपास आता है, रिवर्सल दिखता है, एक ट्रेड प्लान कर लेंगे 600 के आसपास का, तो जितना भी रिकवरी देते वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। देखिए अगर नीचे से जाएगा, सपोज करो इस भाव के आसपास आता है, इस भाव लो टेस्ट करता है इसका, मतलब 23,450 अगर ये आता है, तो मैं क्या करूँगा, 23,450 का मैं पुट को बाई कर लूँगा, इस पुट को मैं बाई करूँगा, और 23,600 का पुट को मैं सेल कर दूंगा, बनाऊंगा मैं स्प्रेड, ठीक है, ताकि मैं उसको होल्ड कर सकूँ आखिरी तक, ठीक है। 700 भी सेल कर दो चलेगा, ठीक है, ताकि अगर रिवर्स किया तो जितना भी रिवर्सल करेगा वो मैक्सिमम गेन आपको मिल जाना चाहिए। इस टाइप का व्यू के साथ इसमें थोड़ा हायर साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन नीचे से। और अगर मूवमेंट नहीं किया तो जैसे मैंने बताया साइडवेज का प्लान कर लेंगे, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टॉक्स मैंने कुछ सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं। लेकिन एक ट्रेड है, यह है एलएनटी, मुझे लगता है इस स्टॉक को बाई करना चाहिए स्विंग के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है, 4,000 के टारगेट के लिए इसको परचेस करना चाहिए। अभी 3,632 रुपये में चल रहा है, एक अच्छा खासा इसमें मूवमेंट मिल सकता है। इस लो के आसपास कैसे डालना चाहिए, मतलब 3,500 के स्टॉप लॉस के साथ इसको 4,000 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना चाहिए, चाहे तो आप इसको स्विंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक दो स्टॉक्स और, इसमें इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। एक है जी पावर, आप लोग याद होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब स्टॉक 140 145 के आसपास लगातार ट्रेड कर रहा था ब्रेकआउट के बाद, तब मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था ट्रेड लेने के लिए। ये डबल हो चुका है, जी पावर डबल हो चुका है, और आपने मेरे पेनी स्टॉक का वीडियो देखा होगा, ठीक है, पेनी स्टॉक्स का वीडियो देखे होंगे, और उस वीडियो में मैंने मतलब इस स्टॉक को पेनी समझ के लिया हुआ है, ठीक है, 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, अच्छा खासा मूवमेंट आया है, अभी और भी मूवमेंट आएगा, मैं 1,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, देखते हैं कितना तक मूवमेंट आता है इसमें। चलिए कल के लिए इसमें एक ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे लगता है इस सेटअप में कल इसमें ट्रेड मिल जाना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है 525-526 के ऊपर, तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ये मिल जाए 512 में ट्रेड मिलता है, 2-3 रुपये के स्टॉप लॉस डालेंगे, मतलब 4-5 रुपए की स्टॉप डालेंगे, क्वांटिटी कम रखिएगा, ट्रेड बहुत बढ़िया मिल सकता है। मैं इसको 3-4 दिन से देख रहा हूँ, और मैंने इसको ट्रेड लिया भी, इंट्राडे में ट्रेड देता भी है, ठीक है, आज मैंने प्लान नहीं किया था, या तो ये मतलब 512 के आसपास मिल जाता है तो ट्रेड करिए 4-5 रुपए की स्टॉप डाल के, या फिर ये 525 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाई करिए 4-5 रुपए की स्टॉप डाल के, कम से कम 20-25 रुपए का ट्रेड दे सकता है, बहुत मोमेंटम में स्टॉक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एक स्टॉक और फ्रेंड्स आप नजर रखिएगा, नजारा टेक भी याद होगा आप लोगों को, और जब इस स्टॉक को मैं फर्स्ट टाइम 750 के आसपास लिया था, तब बहुत सारा इसमें नेगेटिव कमेंट भी आते थे, एक मूवमेंट किया फिर फास्ट नीचे आया था, अगेन वापस गया है,
फिर ब्रेकआउट कर रहा है। मैं नजारा टेक को लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया हुआ हूँ, मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर नहीं लें तो अभी भी ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी इसमें प्ले किया जा सकता है, कल इस स्टॉक को लोअर लेवल से बाई कर सकते हैं 930 के आसपास, 930 के आसपास बाई करेंगे, टारगेट होना चाहिए 950 का, ठीक है। मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, अगर 950 ऊपर निकल जाता है, फ्लो में जाता है स्टॉक लॉस ट्रेड करते हुए, तो 1000 का भी टारगेट आपको दिखा सकता है, नजर रखिएगा नजारा टेक में। चलिए एक स्टॉक और देखिए, नाम है पेज इंडस्ट्री। जब ये वीकली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था ना यहाँ पर, तभी मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि इस स्टॉक को लेना चाहिए, इसके बाद बहुत बढ़िया मूवमेंट कर रहा है और लग रहा है कि स्टॉक अब ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएगा। तो अगर आपने नहीं लिया है तो आप, मुझे लगता है अब तो काफी ज्यादा ऊपर हो गया है, बट लिया जा सकता है, ठीक है। कल इंट्राडे में भी इसमें प्ले कर सकते हैं और मुझे लगता है ठीक ठाक मिलना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसको इस लो का स्टॉप लॉस डाल के, देखिए एक बढ़िया सेटअप बना हुआ है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो इस डेप्थ का टारगेट आपको मिलने वाला है यहाँ तक का, तो मुझे लगता है ये 40,800 तक का मूवमेंट दे सकता है। अभी चल रहा है 39,550, तो 500 के आसपास मिल जाए वेल एंड गुड, आपको स्टॉप लॉस 38,800 के आसपास का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ट्रेड अच्छा हो सकता है, नजर रखिए कल के दिन पे इस स्टॉक में इंट्राडे में प्ले किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना चाहें तो मॉर्निंग में ही आप इसको वॉच करिएगा, ठीक है। ज्यादा गैप अप और गैप डाउन अपन अगर हो जाए स्टॉक्स तो थोड़ा अवॉइड करने का है, कोई सेटअप देखने के बाद ही ट्रेड आप प्लान करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये रहा आज के वीडियो मेरा व्यू और लॉजिक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।